हमारे नेतागण हैं उनके साथ साथ उनको साथ चलाने वाले हमारे कार्यकारी जिलाध्यक्ष शिवीरम सिंह जी और उपस्थित सब मेरे कार्यकर्ता और नेतागण रसिया साहब है रसिया साहब और साथ में शंकर सिंह जी, ये मेरे को आज इस मंच के ऊपर सबको देख के इतनी खुशी हो रही है क्योंकि मैं मानती हूँ कि ये जनता की सही पूजा तो तब होती है जब सब जाति के लोग सब मजहब के लोग एक ही थाली में बैठ के खाते हैं, तभी मजा आता है। जब एक दूसरे के बीच में प्यार रखते हैं जैसे आज इस मंच पे देखने को मुझे मिल रहा है, तो मेरे मन में ये हो जाता है, ठंडक पहन जाती है कि हाँ अब अपना क्षेत्र अच्छा चलने लगा। जब लोगों के बीच में झगड़ा होता है, जब लोगों के मन में कड़वाहट होती है, तब बड़े दर्द के साथ काम होता है, तो काम ही नहीं होता है। आज 65 साल आप लोग देख रहे हो कि छोड़ा कि नहीं छोड़ा, छोड़ा कि नहीं छोड़ा। 500 गांव जो आजू बाजू थे उसको ये लोग पानी नहीं दे सके। जहां मैं छोड़ गई थी वहां ही पानी की योजना पड़ी हुई है। 11 कस्बे और 384 गांव में पानी आज 5 साल के अंदर पहुंच जाना चाहिए था, हमने काम चालू कर दिया था। तब 2800 करोड़ की स्कीम थी, आज 5 साल में कितनी हो गई होगी, महंगाई कितनी बढ़ गई है, कितनी बनी। आज आप प्याज कितने का खरीद रहे हो माता बहने, आज टमाटर कितने का खरीद रहे हो, आज पेट्रोल कहाँ पहुंच गया, डीजल कहाँ पहुंच गया, बीज और खाद कहाँ पहुंच गया, डबल डबल हो गया है। और हम ये कह रहे हैं कितने मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके लाते हैं 2800 करोड़ की स्कीम के अंदर 5 साल के अंदर, क्या हम ये सबको पानी नहीं पिला सकते थे, नहीं पिला सकते थे। क्यों कि हम तो 4.5 साल कुंभकर्ण की नींद लिए, हम लोगों ने भ्रष्टाचार किए, हम लोगों ने महंगाई करवाई, हम लोगों ने टेंडर करवा दिए, सबके पैसे अपने जेब में रख लिए और कोई जनता का इतना रत्ती पर काम नहीं किया। अब आज मेरे को आप लोग पूछ रहे हो, मैं ये पता करना चाहती हूँ कि 50 करोड़ रुपए की योजना हमने बनाई थी पेयजल की, जो आपकी भारी समस्या थी मकराना के अंदर, तो योजना बना के हम लोगों ने टंकियां तैयार कर दी थी, वो टंकियों में पानी भर गया क्या श्री राम जी, तो काय की टंकी रखे हैं, जब टंकी बना के ऐसी सूखे रखोगे कल का पानी भरना शुरू कर दोगे तो वो टूटेगी कि नहीं टूटेगी, कितना पैसा खर्च हो गया और कितना पैसा खराब हो गया। मैं ये कहती हूँ कि बड़ी मुश्किल से तो अपन ने टंकी के लिए 50 करोड़ रुपए का बनाया, अगर पानी का इंतजाम ही हो जाता तो आज ये पूरा शहर पानी पीता, पूरे फ्लोराइड युक्त पानी है। हम जानते हैं कि लोग बीमार हो रहे हैं इस फ्लोराइड की वजह से, 12 पंचायत के लोग ऐसे हैं जिनको मुसीबत हो रही है। और मैं ये कह रही हूँ कि अगर 12 पंचायत के लोगों को हम लोग पानी आज तक पहुंचा देते तो 5 साल उनकी बीमारियों की कम हो जाती, पर नहीं किया। और मैं आपको ये कह रही हूँ कि हमको ये 5 साल काम करने के अब मिलेंगे, हम लोग आपके कस्बों के अंदर वो पानी पहुंचाएंगे। नागौर है, डीडवाना है, जायल है, खीमसर है, डेगाना है, नावा है, लाडनू है, मेड़ता है, पर्वतसर है, मकराना है, मुंडवा है, इन सब जगह के ऊपर हम लोगों को पानी पहुंचाने का काम करना है, वो करेंगे, आप चिंता मत करो। पर करेंगे तब जब आपकी शक्ति हमारे साथ रहेगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि ये सब काम है आप लोगों ने हमारे पास छोड़े हैं, हमने तो कभी पत्थर के ऊपर इतना वो नहीं किया, हमें तो कहीं जाके पत्थर लगाने की इतनी होड़ नहीं मची है, परंतु इन कांग्रेस वालों की पत्थर लगाने की जो होड़ मची है, कभी सोनिया गांधी आ रही पत्थर लगा के जा रही, कभी राहुल गांधी आ रहा है वो पत्थर लगा के जा रहा है, जहां भी इन्होंने पत्थर लगाया वो काम पूरा ही नहीं हुआ, कहीं पूरा नहीं हुआ। अरे मैं तो ये जानती हूं कि घोषणा और उपलब्धि उसमें बहुत फर्क होता है। आज मैं आपके सामने 100 घोषणा कर दूं, परंतु घोषणा करने से क्या मतलब है, अगर वो जमीन पे नहीं आए तो क्या मतलब। जब मैं आई आपके मकराना के अंदर और आप लोगों के साथ जब बातचीत हुई, आप लोगों की भीड़ जब देखी, तो सोनिया गांधी दौड़े दौड़े आके जायल के अंदर पत्थर लगा के चले गए, क्या मतलब है। आपने देखा अभी झालावाड़ के अंदर मैं गई थी, तो झालावाड़ में दौड़े दौड़े राहुल गांधी ने आके हमारी जो ताप बिजली घर जो 5 साल हो गए अभी तक पूरा नहीं हुआ उसको चालू कर गए। अरे चालू कैसे कर गए, उसका बांध पूरा नहीं बना, पानी का इंतजाम नहीं हुआ, उसका जीएसएस नहीं है, उसके टर्बाइन नहीं चल रहे, उसके लिए तेल और कोयला बाहर से लाके 2 दिन के लिए चला के
जनता को दिखाने के लिए कि चल गया, ये दिखाने के लिए आके फीता काट के चले गए। ऐसे राजस्थान में कई जगह है, आप देख लोगे, आप खुद जानते हो, पत्थर पड़े हुए हैं। ये सरकार अपनी आएगी तो हम, मेरे को तो ट्रक भेजना पड़ेगा सब पत्थर उठाने के लिए, लाओ यहां कहां से पत्थर। इतने सारे काम छोड़ के गए थे, चल रहे चलते हुए काम छोड़ के गए थे। मैंने ये माना था कि अगर उनने यही काम पूरा कर लिया होता अपने 5 साल के अंदर, तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोगों के दिल के अंदर आराम हो जाता, पर तो नहीं किया। वे मकराना की स्टोरेज लाइनर है भैया, मैं आपके अभी अभी जहां से आ रही हूँ डीडवाना, क्या हाल, बड़े पूरा खोद के रख दिया। मैं अभी आ रही हूँ नागौर के अंदर, तो नागौर के अंदर भी क्या स्थिति है, वो तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या मैंने इन लोगों ने काम किया, कहीं नहीं काम किया। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्यों नहीं काम किया, क्योंकि जनता एमएलए सरकार बनाती है ये सोच करके कि ये हम लोगों का विकास करें, और ये जनता के साथ एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो जाती है जब सरकार हम बनाते हैं और उनके काम के ऊपर खड़े नहीं उतरते। आज मैं आपको सबको कहना चाहती हूँ कि उसके ऊपर हम रहेंगे। 100 करोड़ रुपए का हमने बजट दिया था आपके सीवरेज लाइन के लिए, दिया था ना। आज क्या स्थिति है, 4 साल बाद सड़कें तो खोद के रख दी हैं, सीवरेज का काम हो गया मकराना के अंदर हुआ। आपके बिजली की कितनी भारी संकट थी मैंने देखा, मुश्किल से 3 या 4, 3.5 घंटे आप लोगों को बिजली मिलती है, वो भी ट्रिपिंग के साथ। सबका कहना है कि अगर हमारा ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है, ट्रांसफार्मर बिना रिश्वत के मिलेगा नहीं, ये सब लोगों का कहना है। और जो महिलाओं के लिए मैंने अपने 5 साल में पहली बार राजस्थान के इतिहास में एक अलग से लाइन घरेलू बिजली के लिए आप लोगों को दी थी, और मेरे जाते जाते 20 घंटे तक मैंने उसको पहुंचा दिया था, वो आज 5-7 घंटे मुश्किल से सबको मिल रहा है। और मैं आपको वादा करके जाती हूँ, मैं तो सब दूर वादा किया है और अभी भी वादा करके आपको जाती हूँ कि 24 घंटे बिजली आप लोगों को मिलेगी, घर बैठे आप लोगों को आपकी जो आपकी घरेलू बिजली की लाइन है वो आप लोग सबको मिलेगी। और बच्चों को मैंने तब भी वादा किया था, अब भी मैं ये कह रही हूँ कि पहले 10 लाख मैंने नौकरियां दिलवाई थी, अब भी ये टेट वेट का चक्कर उसका प्रबंधन करके और आप लोगों को पूरी तरह से नौकरी देने का काम उसके ऊपर हम लोग लगेंगे। तो ये सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा संकट है, सबसे बड़ा दुख का कारण यह है कि नौकरियां नहीं मिल रही आजकल। उसके लिए हमें क्या करना है उसके ऊपर हम ध्यान रखेंगे। आप लोगों ने अभी मेरे को यह बताया कि जो ये 50 बेडेड अस्पताल था वो आपके लिए अपर्याप्त, किन्हीं लोगों ने मेरे को बताया कि ट्रॉमा सेंटर और रेस्परल अस्पताल की यहां मांग है, इतना बड़ा तो नहीं हो सकता, परंतु अपन उस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उसको ठीक करेंगे। मैं देख रही हूं कि जहां मैं जाती हूं वहां ना तो डॉक्टर मिलता है ना वहां सामान, तो मालूम नहीं किस तरीके से ये फ्री जांच करवा रहे हैं, मुझे ये मालूम नहीं होता है कि नहीं होता है। हाँ, ये आप लोगों के जो खान बंद है ये एक बहुत बड़ा आपकी समस्या है। मैं पहले भी इसके बारे में बात किया था, मुझे याद है सरकार जाते जाते करीबन 250 मार्बल खान थे जो रेलवे ने बंद करवा दिए थे, वही है ना, वही कैसे ना, जो 250 मार्बल के खान थे जो रेलवे ने बंद करवा दिए थे, फिर आप लोगों ने पैसा भी दे दिया, और पैसा भी देने के बाद आज भी आपकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, क्योंकि हाईकोर्ट ने 64 खाने बंद करा दी, 50 करोड़ का वहां जुर्माना भी दे दिया और फिर पेनल्टी लगाने का भी निर्देश दे दिया। ये पेनल्टी 300 करोड़, बेचारा कहां से करेगा, मैं तो मुझे समझ नहीं आता, तो छोटे छोटे माइनर्स है, छोटे छोटे माइन ओनर्स है, 300 करोड़ रुपया मैंने इनने लगा दिया है खान मालिकों को, मैं नहीं समझती कि राशि चुकाना संभव है। पर पैर भी करेगी सरकार, मैं आपको चिंता नहीं, आपको पैर भी करेगी, और मैं देख रही हूँ कि इस सरकार ने ना तो पैरवी की है ना कोई मदद की है, पर हम लोग करेंगे पैरवी उसकी और मदद भी करने में कोई कमी छोड़ेंगे नहीं। फिर आप सब किसान भाई यहाँ बैठे हो, मुआवजा मिला सबको? अरे भाई बोलो ना, हमें तो ये बताया गया कि सबको मुआवजा मिल गया, आपको बिजली के बिल में वो कटौती की, कुछ नहीं हुआ। और मेरे को ये बताया, ये जरूर बताया कि बहुत बड़ा मुआवजा दिया आप लोगों को, और वो भी सबको नहीं, किन्हीं किन्हीं लोगों को जो मुआवजा दिए उसमें 2000 रुपए मिले। 2000 रुपए तो बहुत पैसे होते भैया, आप लोगों ने तो अपने पूरे खेती संभाल लिए होंगे वो 2000 रुपए से, क्यों हल्ला कर रहे हो, खुद भी संभाल लेते दूसरे के भी खेत को संभाल लेते। 2000 रुपए की राशि कोई दे
तो जले पे नमक डालने वाली बात हो जाती है कि शर्म आनी चाहिए किसी भी सरकार को कि वो इस तरीके से खिलवाड़ करे अपने किसानों के साथ। ये तो मैंने देखा हुआ है। मैं सब खत्म कहना चाहती हूँ कि पैसा आप ही का है। ये पैसा अगर आपके ऊपर खर्च नहीं किया जाता तो ये काहे पे खर्च कर रहे हैं? ये 5 साल के अंदर किस चीज के ऊपर खर्च किया? टेंडर पे टेंडर निकाल दिए, टेंडर के ऊपर पैसे निकाल दिए। अरे बेशुमार पैसा आगे इकट्ठा कर लिया। अभी चुनाव के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, उसके पहले सब लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सबको कहना चाहती हूँ कि राजस्थान है, ये राजस्थान की स्वाभिमानी जनता है। मैं सबको कह दिया ये अपना पैसा है, इस पैसा को ले लो, इसको छोड़ना मत। नहीं छोड़ोगे तो ये तो नहीं आने वाला। परंतु इनको ये याद दिला दो, इनको याद दिला दो कि कोई भी इस तरीके से हमारे स्वाभिमान, हमारे इज्जत और हम सब के साथ खिलवाड़ करता है तो हम भी समझते हैं पैसा भी ले लेंगे और आपको उस कुर्सी से उतार के भी नीचे खड़ा कर देंगे ताकि आप समझ सकोगे कि आपकी औकात क्या है। भाइयों, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूं कि दोनों महंगाई की वजह से तो बिल्कुल कमर टूट गई, बेरोजगारी उसकी वजह से बिल्कुल घुटने के बल हम लोग आ गए हैं। महिला अत्याचार एक ऐसी चीज है, अनाचार, दुराचार, अत्याचार जिस तरीके से हम महिलाओं के साथ इस सरकार ने किया है, मैं समझती हूँ कि कोई उसे माफ नहीं कर सकता। के अंदर मैं कहती रहती हूँ, मैं विधानसभा के अंदर जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हम महिलाओं के ऊपर, मैंने सबको कह दिया आप लोगों को जो बोलना है जिस तरीके से बोलना है असभ्य भाषा इस्तेमाल करना है आप भले ही करिए, हमारी इज्जत हमारी जनता संभालेगी। आज हम आपके सामने खड़े हैं, हम अपनी झोली फैला के आपके सामने खड़े हैं, आपके सामने न्याय मांग रहे हैं कि हम महिलाओं के साथ जिस तरीके से कोई अगर खिलवाड़ करता है तो क्या हमारे भाई और हमारे बुजुर्ग हम सबके लिए नहीं खड़े होंगे? खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे? अगर खड़े होंगे तो ये याद रखिए कि ये आवाज हमारी युवा की है, ये आवाज हमारी महिला की है, ये आवाज नए राजस्थान की है, ये आवाज है उन लोगों के लिए जिन लोगों को अब कोई समय नहीं है। सब लोग कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एक ऐसा राजस्थान बनाओ जिसकी वजह से किसी के सामने आपको घुटना टेकना नहीं पड़े। अगर गुजरात है या मध्य प्रदेश है या दिल्ली है तो राजस्थान ये श्री राम टीचर जी को आप जिता के भेजोगे तो मैं मानूंगी ये बहुत बड़े यज्ञ के अंदर एक आहुति आप कैमरामैन को देंगे। यार मान सिंह जी भी बैठे हुए हैं और ये विजय सिंह जी भी बैठे हुए हैं और मैं जानती हूँ कि आप लोग सबके रिश्तेदार सब दूर फैले हुए हैं। आप लोग इनके लिए भी काम करवाओगे, उनको कहोगे हमारे पास इतना पैसा नहीं है भाई कि हम हर चीज के ऊपर डाल दें। मैंने सबको कहा, लोगों ने मेरे से पूछा कि आप लोग कैसा करोगे? हमने कहा भैया हम तो कांग्रेस वाले नहीं है, ना हमारे पास इतना पैसा है, पर हमारे पास एक ऐसी चीज है जो किसी के पास नहीं। हमारे पास जनता है, हमारे पास जनता का अमूल्य प्यार है, हमारे पास उनका विश्वास है और हमारे सामने ढाल जैसे हमारी ये जनता खड़ी हुई है। इसके सिवाय हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसलिए फैल जाओ, जहां अपना परिवार है, जहां अपने जानने वाले हैं, जहां अपने मित्र हैं, उन सबको कह दो कि हमें चाहिए ऐसे लोग जो हमारे लिए दौड़ेंगे, भागेंगे, काम कराएंगे, जो एक रात घर पे नहीं सोएंगे परंतु आपके लिए काम करने में अपना समय पूरा लगाएंगे। ऐसे लोगों को जिता के लाओ। और फिर मैं हूँ ना, फिर आपकी चिंता है, काम करने वाले जो आ जाएंगे तो ये सब नंबर आपके सामने। भारतीय जनता पार्टी, श्री राम पिक्चर। आप लोगों ने, श्री राम जी ने मेरे पास 2-3 मांगे रखी है। इन मांगों के बारे में अब इलेक्शन का टाइम है, कोई बोल तो है सकता नहीं है, परंतु जो भी आपके जायज काम है कभी रुके क्या? तो फिर आप काहे की चिंता करते हो? इस चीज की नहीं, आप लोगों के जो जायज काम है आप ही का पैसा है, आप ही की मेहनत है, आप ही का काम है, कभी कोई जायज काम रुकता नहीं है और रुकना चाहिए भी नहीं किसी भी सरकार में। इसीलिए आप सबको मैं इतना विश्वास दिला सकती हूँ कि सरकार आपका काम में कोई कमी छोड़ेगी नहीं, कभी छोड़ी नहीं है, आपने तो देखा हुआ है हमारा काम। इसीलिए आप तो जान पहचान है, मैं तो खाली ये कह रही हूँ इनको जिताने में कोई कोर कसर मत छोड़ना। मुझे आज बहुत खुशी है क्योंकि जब मैं शंकर सिंह जी को देखती हूँ, जब मैं किरण जी को देखती हूँ, जब मैं राकेश जी को और रूपा राम जी को देखती हूँ और इधर सुषमा जी को देखती हूँ और सब मेरे पटेल लोग, सरदार लोग सबको देखती हूँ और वहां सिया चौधरी साहब को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये है परिवार।
और मुझे इस परिवार पे बहुत बड़ा गर्व है, बहुत गर्व है। और मुझे विश्वास है कि ये परिवार आगे बढ़ के राजस्थान को उस मौके पे और उस मुकाम पे पहुंचाएगा जिसके लिए हम इतने साल से तरसते हुए आ रहे हैं। सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद। माता बहने छोड़ना मत, सबसे बड़ा काम अपना है, हमको बहुत सारे लोगों के इंतजाम करने हैं। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये राजस्थान अब आपका और हमारा होगा, मिलके हम लोगों को ये काम करना, तो तैयार हो? तैयार हो? और मैं सबसे पूछ रही हूँ कि 5 साल की सरकार चाहिए कि 5 महीने की? 5 साल की, तो मेहनत करने को तैयार हो? तो मेरे साथ एक जोरदार नारा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। आओगी तो आप लोग सब जीत के वापस आओगे, तब यहाँ एक अच्छा सा जलसा हम लोग मिलके करेंगे। उस जलसे के अंदर आप लोग भी आओगे, हम भी आएंगे और ये भी आएंगे, सबका विश्वास करके आप सबको बहुत सारा प्यार।